Hi guys, me your favorite AKR and you are watching Ashok Kumar YouTube channel. तो कैसे आप लोग? I hope आप समझते होंगे, बड़े होंगे, टकाटक होंगे, पर हमारी हालत यहाँ पे थोड़ी खराब हो चुकी है क्योंकि सुबह की शुरुआत हुई है इस सुसू के साथ. मतलब यहाँ पे ब्लैक के ऊपर आपको दिख नहीं होगा, बट यहाँ पे ये पूरा गीला कर दिया. गीला करने वाला कौन है? ये टिंगू है, ये देखो. ये सुबह सुबह मेरे पास आया और सुबह सुबह मेरे ऊपर सुसु करके चला गया. सुसु करने की बात आ रही है तो मेरे पास अभी हमेशा आएगा, मेरे को सुसु कर देगा, सुसु कर देगा, सुसु कर देगा, सुसु कर देगा. सुसु बॉय, सुसु बॉय. तो भाई ये वाली बात है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और अरविंद ने फटाफट मेरे ऊपर सुसु पेल दिया भाई. इतना सारा तो मैं इसको लेके धूप में खड़ा हुआ, इसने मेरे ऊपर सुसु कर दिया. ये शुरुआत हुई है हमारी सुबह की, बताओ. सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है अराउंड 12 और भाई मैं तो नहा धो के मस्त रेडी हो गया. कल एक्चुअली थोड़ा सा लेट नहाए नितिन, क्योंकि कल पार्टी वार्टी थी ना, तो काफी थोड़ा सा लेट सोए थे और काफी लंबे तक सोए थे, थक गए थे. मतलब इतना खाया पिया, इतना डांस वांस करेंगे ना, मतलब मस्ती में काफी ज्यादा थक गए थे. तो बढ़िया बढ़िया सो गए. अब सोने के बाद थोड़ा सा लेट उठे थे तो इसलिए काम भी लेट हुए. तो आज मैं 12 बजे नहा धो के एकदम फ्रेश हुआ. और बाकी अभी सीन ये है कि एक बार फिर से भाई दक्ष आ रहा है मिलने को, तो एक बार इसके साथ चलते हैं. और साथ साथ नूर को कॉल करके पूछ रहा था कि भाई की तबीयत कैसी है, क्योंकि नूर तो टाइफाइड हो गया था. तो अभी उसके हाथ में जो कैनुआ होता है ना, जिसके थ्रू ग्लूकोज चढ़ता है, वो निकल गया. बट उसको भी मेडिसिन और बेड रेस्ट और अच्छे खाने के लिए बोल रखा है. तो एक बार उसको कॉल करके पूछते कि उसका क्या स्टेटस है, भाई की तबीयत ठीक है या कैसी है. भाई मैं और अद्विक दोनों ही नहा लिए और अभी ना थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो गई, तो मैं और अद्विक दोनों ही धूप में आ गए धूप सेकने के लिए. भाई इतना मस्त लगता है ना, दिल्ली में हो, ठंड चल रही हो, मतलब ये जो मीठी मीठी वाली ठंड होती है, ऐसे कड़क के वाली नहीं, मीठी मीठी ठंड होती है ना, इसमें आओ धूप में बैठो, मस्त मस्ती करो, पुच्ची पुच्ची करो अद्विक को, तो भाई बहुत मजा आते हैं. तो फिलहाल तो ये है. बाकी यस, अभी नूर भी आ रहा है, दक्ष भी आ रहा है, तो सब लोग मिलने आ रहे हैं आजकल. आज मतलब सबने टाइम निकाला मेरे लिए, सब कह रहे भाई मिलने आ रहे, मिलने आ रहे. चलो तो दोनों को फोन करके देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है, कब तक आ रहे सब लोग. तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था, दक्ष और नूर दोनों आते हैं, पर दक्ष का पता नहीं क्या हुआ, फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया वो, कौन से लोअर नेटवर्क एरिया में. बाकी नूर आ गया है और हम जा रहे हैं एक बढ़िया जगह. चलो आपको ले जाके दिखाता हूँ पहले हम लोग कहाँ जा रहे हो, किस काम जा रहे हैं. तो भाई ये छोटे से काम के लिए आए हो, देखो दोनों जो ना क्या मतलब मस्त सूट वूट पहन के, जैकेट जुकेट पहन के. मैं अकेले लोअर में, भाई मैं बीमार हूँ इसलिए मैं अकेले ही लोअर में घूम रहा हूँ. देखो फुल सूट वूट पहन के भाई, हमारे शाहिद कपूर लाइट, ये हमारे शाहिद कपूर, ये कबीर सिंह की तबीयत खराब हो गई है, कबीर सिंह को मलेरिया हो गया, तो ऐसा देखने लग गया कबीर सिंह. सो गाइज हम आए हैं यहाँ टीवीएस शोरूम. टीवीएस शोरूम में हम क्यों आए हैं, क्योंकि जो नूर का एक भाई है ना, उनको बाइक लेनी है, तो उनके लिए हम लोग आए हैं बाइक देखने के लिए टीवीएस शोरूम में. सो देखते हैं कौन सी बाइक पसंद आती है और कौन से इन लोग फाइनल करते हैं, कौन से हम लोग घर लेके जाते हैं. सो भाई क्योंकि इनकी अपनी चॉइस है ना, मैं क्या बोलूँ, बट यस जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ना अंडर बजट, वही वाला फाइनल करेंगे. बाकी मैं भी देखता हूँ कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही है. जो बाइक हमें लेनी है वो तो हमें पसंद आ गई है, बट कलर के अंदर हम लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं. इनका मन कर रहा है कि मैं येलो ले लूँ, वो भाई बता रहा है रेड ले लूँ, और मैं कह रहा हूँ भाई ब्लैक ले लूँ. सो भाई आप लोग भी एक बार कमेंट बता दो, ब्लैक कलर राइड अच्छी है, रेड कलर अच्छी है या येलो कलर अच्छी है. तीनों ऑप्शन है, तीनों में से भाई जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन सी वाली बेटर है, ब्लैक, रेड या येलो. मेरा वोट तो भाई ब्लैक के लिए, नूर ने बोला रेड और फैसल ने बोला येलो. तो भाई धीरे धीरे कन्फ्यूजन ना बढ़ती जा रही है, अभी हम तीन को तो कुछ समझ में आया नहीं, तो फैसल ने ना बड़े भैया को फ़ोन लगाया कि ताकि उनसे पूछने के लिए कि भैया क्या ले कौन सी ले. भैया एक बात बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन होता तीन कलर से, आप कौन सी चूज़ करते? तो ब्लैक लेते ना. देखा ये भाई मेरे टीम में, मैं भी ब्लैक लेता, ये भैया ब्लैक लेते. नूर तू कौन सी लेगा, लाल या पीली? येलो. येलो चलो भाई, बम्बल भी वाली लेगा येलो कलर. बट फैसल का तो पता नहीं क्या भाई क्या मन हो रहा है, देख देख कन्फ्यूजन में घूमे जा रहा बेचारा, फोनों पे लगा पड़ा है. सो भाई एक शोरूम छोड़ के हम आ गए दूसरे शोरूम, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कलर नहीं था. और इस शोरूम में आए यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं, और हमने बाकी चार शोरूम में कॉल करके पता करा, बट वहाँ पे ब्लैक कलर नहीं है. सो नूर भाई तो क्या बोलते, क्या कर रहा है भाई? मैं तो सिर्फ सजेशन दिया कि बुकिंग डाल दो, तीन चार दिन की बात है, तीन चार दिन में आ जाएगी. भाई मेरा सजेशन भी सेम है, बट भाई को ना ऑन द स्पॉट बाइक चाहिए कि अभी के अभी, अगर जाऊँगा घर तो अपनी बाइक पर जाऊँगा, नहीं तो मैं घर नहीं जा रहा. तो हमने लास्ट उसको ये बोला भाई तू घर मत जा, बट ऐसे जिद मत रख. तो भाई चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है. बाकी फिलहाल तो हमारा मेन प्लान ये है कि भाई के लिए बस बुकिंग करवा देते, फिर तीन चार दिन बाद आके पिक कर लेंगे गाड़ी. भाई ये सबसे बेस्ट है भाई, अगर आपको सेम तरह चाहिए तो. भाई फाइनली हम लोगों ने बाइक बुक करवा दी, मुबारक हमारे भाई को, ये बुकिंग स्लिप आ गई भाई की. देखो भाई आग भी आ गई चुकी है हमारी बुकिंग स्लिप, तो नेक्स्ट 5 दिन के अंदर हमारे पास बाइक आ जाएगी. फिर बाइक हमारा बाइक पे घुमा करेगा, फुल एकदम ऐश उड़ाया करेगा, लड़के घुमाया करेगा. कोई काम धंधा नहीं करेगा, सिर्फ लड़के घुमाया करेगा और बीच बीच में दूध लेके आया करेगा. सो भाई फाइनली मैं तो आ गया घर और भाई की हमने करवा दी बाइक बुक, तो नेक्स्ट 4 से 5 दिन के अंदर बाइक आ जाएगी, फिर आपको वो भी दिखा दूंगा. बाकी यस आज के ब्लॉग मैंने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड था, कुछ ऐसा था नहीं दिमाग में, बट भाई जो हो गया भाई बढ़िया आया, मज़ा आया. सही ब्लॉग वगैरह में भी मज़ा आया, बाइक वाइक भी देखी हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया.
तो बढ़िया रह गया, मतलब अभी तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है। शाम के बज गए 4 और आ गया है दक्ष, और कल थी भाई की बर्थडे पार्टी। भाई क्या मचाया उन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत मचाया भाई। वैसे मजा तो भाई बहुत आया, मस्त खाया पिया, डांस वांस करा, और भाई साहब जो हम लोगों ने आपस में बकवास से पी ली है, बढ़िया रहा। और उसके बाद रात को भाई गए होंगे कहीं घूमने फिरने, हमें तो बुलाया नहीं उन्होंने, बढ़िया से पता भाई, मैं घर जाके सो गया। अब सबसे अच्छी बात क्या थी, केक हमने पूरा खाया, हमने केक वेज नहीं करा इसको लगाने के चक्कर में, केक आया था महंगा, केक था टेस्टी केक था टेस्टी और बहुत था महंगा, इसलिए हमने इसको मुंह पे लगाने वेस्ट नहीं करा, चुपचाप खा लिया सबने मिल बांट के। अभिषेक आया यहाँ शेख जंक्शन जो कि है उत्तम नगर में, और ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए, और आज का ट्रीट कौन देगा भाई, कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ ट्रीट। तुम ओ भाई स्कैनर ये मारा ट्रीट ये दे रहा है, अच्छा ये फोन दे रहा है, ठीक है भाई। तो भाई फाइनली आ गए हमारे शेख, एक ईयर, और ये देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से जाके दिया, और ये देखो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हुआ छूत, ओ भाई साहब, मतलब इस टाइम पे भी आके भाई ये ट्रीटमेंट मिल रहा है बर्थडे बॉय को, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, क्यों ही पैदा हुआ भाई। पहली गल आ गए स्टीम पनीर मोमोज, और है तो ये क्या स्टीम मोमोज, किंग मोमोज भाई के, अच्छा किंग मोमोज के स्टीम मोमोज भाई, किंग भाई वो तू आके देख ले। तो भाई शेक ब्रेक पीने के बाद वापस एक बार घर, पता है ऐसा ही है भाई, काम भी चलता रहता है 7 days, इसलिए मैं अपना काम में भी लगा हुआ हूँ, कभी सिस्टम खोलता हूँ, कभी लैपटॉप ऑन करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी ये देखता हूँ, कभी वो देखता हूँ। तो भाई फाइनली भाई सबके तो वैसे ही चल रहा है, बढ़िया सारे काम चल रहे हैं, काम भी चल रहा है, मस्ती मस्ती भी चल रही है, खाने पीने चल रहा है, और मम्मी भी चल रही है। तो भाई एक बार फिर से बज गए शाम के 7, हम निकल चुके हैं अपने वर्कआउट के लिए, और हुडी पहन के जा रहे हैं बिकॉज भाई हमने ठंड हो गई है, और एकदम पसीने से निकलते हैं ना तो वो जो ठंड होती है वो बॉडी को लग जाती है, फिर तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हुडी पहनना शुरू कर दिया मैंने। तो आप लोगों को भी सेम सजेशन है, जूते भी पहन लिए, फटाफट चलते हैं नीचे, निकालते अपनी स्कूटी और पहुंचते सीधा जिम। तो भाई फाइनली वर्कआउट होता है खत्म, आज हमने करा लेग्स एंड एब्स, और आगे मुझे तो देखो इनको क्या मिला, इनको ना मिले लड्डू भाई, ये चालू है ना, इनको मिले लड्डू, और अकेले भाई ये डाइट लड्डू उड़ा रहे हैं, बड़े शाने लोग हैं, पूरी तरह एक्सरसाइज करते हैं और फिर लास्ट में लड्डू बेल लेते हैं। तो भाई फाइनली वर्कआउट करके हम आ गए हैं घर, और बढ़िया रहा आज का दिन, आज हम लोगों ने बाइक भी देखी, शेक भी पिया, घूमे भी, काम भी कर लिया, साइमल्टेनियसली काम भी होता रहा। सो यस ये सब चीज़ बहुत बढ़िया है, बाकी हम चल के देखते हैं हमारा आदमी सो रहा है या जग रहा है, ये क्या कर रहा है वो देखते हैं, चलो आ जाओ सोनू, सो गया यार, ये सो गया, अगर जगह होता ना तो आप लोगों को दिखा देता। सो गया इस रात को क्या हुआ था, मैं जब जिम से वापस आया थोड़ा सा बिग बॉस देखा, मुझे बहुत तेज की नींद आई, और भाई मैं सो गया, मेरे को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो नहीं रहा कि यार अपना ब्लॉग अधूरा रह चुका है। सो इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी उठाऊँ, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉग को एंड करके मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कर देना लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा देना बेल आइकन ताकि आपको मुझे नोटिफिकेशन रोज मुझे बैक ब्लॉग देखना मत भूलना। बाय।